और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर, देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा एक्शन, जहां 2013 के पेड़ों के अवैध कटान के मामले में एक्शन लिया गया है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जहां डीएफओ की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया। धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का ये एक और जाबुक देखने को मिला, जहां अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद ये एक्शन हुआ है। पूर्व डीजीपी की अब मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। तो देखिए, अवैध कटान का मामला, उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर वन संपदा से धनी माना जाता है, और वन संपदा सिर्फ संपदा ही नहीं है बल्कि वहां इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, पहाड़ों की मजबूती के लिए हर एक चीज बहुत मायने रखती है। ऐसे में अवैध कटान का पूरा मामला प्रकाश में आया है और डीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। 2013 का यह मामला है, अवैध कटान का मामला है। पेड़ों का कटान अवैध तरीके से हुआ है, डीएफओ की तहरीर पर जब केस दर्ज हो चुका है, तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा एक्शन। मामला पुराना है लेकिन एक्शन ताजा लिया गया है, जहां पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। पूर्व डीजीपी पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2013 का यह मामला, जहां अवैध कटान के इस मामले पर बीएस सिद्धू के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले की फाइल खुल चुकी है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार का और उनसे जानकारी लेते हैं कि विनोद, 2013 का ये पुराना मामला है और अब जाके इसकी फाइल खुल रही है, एक्शन की बात सामने आ रही है, ऐसे कौन कौन से तथ्य मिल रहे हैं जिसके आधार पर इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए, ये पूरा मामला 2012 का है और अगर बात करें तो वन विभाग उत्तराखंड की ओर से शासन को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद कल शासन की ओर से पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ तमाम ये आरोप सिद्ध हो गए हैं, जिसमें तमाम अवैध तरीके से जो पेड़ों का कटान हुआ है और जो रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन थी उसकी रजिस्ट्री और उसको ख़रीदा गया था, तमाम मामले पूरा कोर्ट में भी ये लंबित है, लेकिन उसके बाद एक शासन की तरफ से ये अनुमति दी गई है कि बीएस सिद्धू के खिलाफ पूरा मामले में मुकदमा दर्ज करके 2012 का मामला अब जाकर के केस दर्ज हो रहा है, जबकि उत्तराखंड जैसे राज्यों में वन संपदा की अहमियत या भूमिका हर किसी को पता है, ये किसी से नहीं छुपा है। देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। शुक्रिया विनोद जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।